हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई नेचर मैं हूं कृष्णा कैसे हैं आप सब लोग मस्त बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर फाइव है ना हीमोपोटिक सिस्टम जो हमारे पास क्या रहेगा हीमोपोटिक मतलब हीम यानी कि जो हमारा ब्लड को लेकर के सारी बातें होने वाली हैं इसके अंदर ब्लड के रिगार्डिंग में उसका क्या कंपोजिशन है कैसे बनता है वो ठीक है तमाम बातें होने वाली है उसके ग्रुप्स के बारे में ठीक है तो पहली हेडिंग के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ब्लड का यानी यानी कि कि ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है और उसका क्या फंक्शन है सबको पता है यहां बस थोड़ी बातें हमें जाननी है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अगर अच्छे से पढ़ रखी है खासकर इलेवंथ का चैप्टर है ना ब्लड सर्कुलेशन अगर पढ़ रखा है तो यह पार्ट तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग पहले थोड़ा, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं तो क्या कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम अब सर्कुलेटरी सिस्टम सुनते ही कुछ बच्चों को तो बातें याद आ रही होंगी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है एक पे हमारा ब्लड घूमता है ब्लड सर्कुलेट करता है है ना और एक सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा लिम्फ लिम्फ का अलग चैप्टर आएगा इसके बाद वाला आएगा है ना उसमें लिंफ घूमता है ब्लड को सर्कुलेट करने वाला कौन होता है हार्ट होता है ये एक अलग चैप्टर आएगा अपने में पढ़ने के लिए ब्लड को पंप कौन करता है हार्ट करता है और लिम्फ का एक अलग सिस्टम चलता है लिम्फेटिक सिस्टम है ना यहां पर क्या है ये ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है इसका लिम्फेटिक सिस्टम होता है याद आ रहा है कुछ कुछ चलो ये अभी डिटेल हाँ में नहीं जा रहा है, बता रहा हूं सर्कुलटरी सिस्टम नोन एज सिस्टम मतलब होता है होता है जो नरिश करे नरिश का मतलब होता है भाई ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो वही तो सारे सेल्स और टिश्यूज को क्या पहुंचा रहा है गैस ऑक्सीजन खाना पीना सब वही तो पहुंचा रहा है तो इसीलिए कहा जाता है इसको वस्कुलर सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वही वेस्कुलर सिस्टम होता है टू फिल्यूड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के फिल्यूड इस्तेमाल करता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक ब्लड का ठीक है और एक लेफ का अब ये क्या होता है जब लें वाला चैप्टर आएगा डिटेल में जानेंगे फिलहाल हमारा टॉपिक जो है ब्लड तक सीमित रहने वाला है तो दो टाइप के फिल्यूड हमारी पूरी बॉडी में घूम रहे हैं कौन कौन से ब्लड और लेफ ध्यान रखना याद आ रहा हो कुछ बातें अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें तो सिस्टम दो टाइप के हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के साथ एक अलग चैप्टर आएगा यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के बारे में भी नहीं केवल और केवल ब्लड के बारे में जानेंगे किसके बारे में सिर्फ और सिर्फ ब्लड के बारे में पूरा सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब हार्ट वाला चैप्टर आएगा ठीक है वहां पढ़ेंगे लिम्फ वाला चैप्टर अलग आएगा उसको वहां पढ़ेंगे बात समझ में आ रही है अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं कार्डियोस्कुलर सिस्टम आएगा ये पूरा पूरा चैप्टर है हमारे पास अलग से है ना कौन सा चैप्टर है देखो मैं बताता हूं मेरे पास सिलेबस होगा सेवंथ uh, है ना ये लगे हुए सारे चैप्टर ये पांचवा है छठा तुम्हारा लिम्फ के बारे में बात करेगा और सातवां चैप्टर आएगा कार्डियो सिस्टम है ना सारे चैप्टर लगे हुए हैं और तीनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड है ध्यान रखना तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो यूटिलाइज ब्लड एज सर्कुलेटरी सिस्टम वो अपने अंदर ब्लड ब्लड को सर्कुलेट करवाता है कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड एलिमेंट अब ये क्या चीज होती है फॉर्म्ड एलिमेंट समझते हैं अब यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है हमारा जो यहां का चैप्टर है आज का चैप्टर वो यहां से स्टार्ट होता है तो ब्लड क्या है कौन से सिस्टम में फ्लो करता है वो सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे पास जानना जरूरी था क्योंकि चीजें समझनी ब्लड होता है कहां हमारी बॉडी में कहां फ्लो करता है अब ब्लड कंसिस्ट ऑफ यानी कि किसकी बात आ गई कंपोजिशन की बात आ गई कंपोजिशन मतलब ब्लड बना किस किस चीजों का होता है तो आप समझते हैं तो पहले मैं यहां पे थोड़ा सा छोटा डायग्राम दिखाना चाहूंगा देखो इस तरीके से ये ठीक है ये ब्लड वेसल है ठीक है इस ब्लड वेसल के अंदर ठीक है ये जो तो पीला पीला देख रहे हो ये प्लाज्मा है इस प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स अलिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट इन सबको मिलाकर ये 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 सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इनको हम लोग क्या बोल देते हैं फॉर्म एलिमेंट बोल देते हैं क्या बोल देते हैं फॉर्मड एलिमेंट फॉर्मड एलिमेंट्स तो जो फॉर्मड एलिमेंट्स हैं यानी कि प्लेटलेट्स एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी जो हो गया अपना ठीक है डब्ल्यूबीसी हो गया ये प्लाज्मा के अंदर ऐसे डूबे हुए रहते हैं मतलब कह सकते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में जैसे पानी के अंदर रेत को डाल दो तो रेत उसके अंदर सस्पेंड रहती है तैरती हुई रहती है उसी तरीके से प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें क्या है घुली हुई मतलब तैरती रहती है और ये इस तरह से पूरा फ्लो करता हुआ चला जा रहा है तो ये पूरा कंबाइंड फॉर्म में <coughs> प्लाज्मा प्लस फॉर्म एलिमेंट मिल करके ब्लड बनाते हैं प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट मिल करके ब्लड बनाते हैं तो अब कंपोजिशन की बात कर ले अगर हम लोग तो यहां पर तो देखो जरा ब्लड जो है हमारे पास उसके अंदर प्लाज्मा होता है 55 परसेंट यह वन मास क्वेश्चन के लिए फॉर्म एलिमेंट 45 परसेंट वन मास क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास प्लाज्मा किसका बना हुआ है वाटर 90 से नाइनटी परसेंट वाटर होता है और मटेरियल अब कौन से डिजोल्व मटेरियल होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो ये रहे वो जो डिजॉल्व मटेरियल है वो हमारे पास ये रहे प्लाज्मा के अंदर पानी होता है नाइनटी से नाइनटी टू होते हैं सात से आठ और कुछ अदर फैक्टर होते हैं वन से टू अब प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है मोर देन सेवेंटी टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती है मोर देन सेवेंटी मोर देन सेवेंटी टाइप्स ऑफ प्रोटीन यहां पाई जाती है बट 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 तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे काम की है जो एग्जाम में पूछी जाती है डेट इज एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन और फाइब्रीनोजेन ये तीन प्रोटीन ऐसी हैं जो प्लाज्मा में, में होती हैं, ठीक है थीके?

ये पूछ देगा ठीक का है या वो ये पूछ देगा बताओ ग्लोबलिन का काम किया है। ये वन का बन जाएगा। अंदर से बनता है बातें बन ठीक है अदर फैक्टर में से फैट सुगर साल्ट यूरिया यूरिक एसिड हार्मो ये सब बातें पाई जाती हैं तो मेन यहां पर जो सबसे ज्यादा आईएमपी तुम्हें है यहां आईएमपी डाल पी इसके अंदर पाए जाने वाले तीन प्रोटीन और इनका फंक्शन क्लियर है आगे आ जाते हैं प्लाज्मा खत्म फॉर्म्ड एलिमेंट फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर तीन पार्ट होते हैं आरबीसी ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट या इसको हम लोग कहते हैं प्लेट कुछ लोग बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं प्लेट लिखेंगे और लेट्स लिखेंगे प्लेटलेट है ना एलईटी होता है ना लेट तो प्लेटलेट प्लेटलेट का, का काम क्या होता है ठीक है अब देखो यहां पर अभी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बच्चों को आएगा जब मैं इसको बताऊंगा प्रोसेस समझाऊंगा ब्लड ब्लडेशन का तो डिटेल में आ जाएगा प्लेटलेट का काम भी क्या है ब्लड को क्लॉट करना और यहां पर का यहां पर क्या काम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड अब इन दोनों का एक काम क्या है ब्लड को जमा देना कहीं कट पिट जाए तो ब्लड को रोकना पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है समझेंगे हम लोग इसकी प्रोसेस में समझेंगे कि क्या डिफरेंस आता है दोनों में ठीक है तो फिलहाल ब्लड इसका प्लेटलेट का फंक्शन फटाफट बताएं प्लेटलेट का फंक्शन ब्लड कोगुलेशन ब्लड को कोगुलेट करवाता है दिख रहा है ठीक है आरबीसी के बारे में हम सबको पता आरबीसी क्या होता है रेड ब्लड सेल होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जनरल बात होगी लीकोसाइट की बात कर लें, तो इसको भी हम डिटेल में देख लेंगे थोड़ा सा एक होता है ग्रेन्यूलोसाइट ग्रेन्यूल्स 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 का मतलब होता है दानेदार कोई चीज कैसी है दानेदार है दाना हम अभी देखेंगे इसका डायग्राम देखेंगे आगे जाकर के ये जो सेल्स होते हैं इसके अंदर तो बहुत सारे ऐसे दाने टाइप दिखाई पड़ते हैं तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं ग्रेन्यूलोसाइट और साइट का मतलब सेल होता ही है पढ़ा था हम लोगों ने साइट वर्ड कहां पढ़ा था याद आ रहा है हड्डी वाले चैप्टर में बोन वाले चैप्टर में भूल जाते हो और एक ग्रेन्युलसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे अब इनको हम लोग ना पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं एक ग्रेन्युलट कैसे होते हैं एक वर्ड आएगा यहां पर पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ऐसा क्यों कहते हैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा तब बताऊंगा इस वर्ड को चलो वहीं डिस्कस कर लेंगे पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर को फिलहाल ग्रेन्यूल दानेदार सेल बिना दानेदार सेल न्यूट्रोफिल बेसोफिल स्नोफिल इसकी परसेंटेज दे रखी है लिंफोसाइट मोनोसाइट लिंफोसाइट फर्दर दो टाइप से होते हैं ठीक है एक लिंफोसाइट होता है पता होगा ठीक है ना एक क्या होता है टी लिंफोसाइट होता है लिख लेना इसको और एक क्या होता है बी लिंफोसाइट होता है ठीक है मैं अब एक चीज बता दूं तुम लोगों को तुम लोग कंफ्यूज करोगे नहीं तो इसको ना चार्ट को पूरा ऐसे करोगे जब उसमें एग्जाम बनाओगे तो इसको ऐसे कर लोगे ऐसे ला करके ऐसे और ऐसे इसके फर्दर दो पार्ट हैं टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट और इसका क्या लिखोगे बी लिम्फोसाइट ठीक है ना अब जाकर ये कंप्लीट हुआ लिम्फोसाइट में दो टाइप के आ गए फिर वो मोनोसाइट है अच्छा ये इस तरह से चार्ट अगर दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो तो ये इस तरह से चार्ट बना दोगे ये प्रोटीन प्लाज्मा का थोड़ा सा अलग कर दोगे ठीक है या प्लाज्मा का यहीं पे करना चाहो तो यहीं कर देना चॉइस है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा प्लाज्मा को यहाँ पे वाटर प्रोटीन और अदर फैक्टर ये यहीं पर एड कर सकते हो दो नंबर के पर्पज से ये चार्ट अगर बना के आते हो मोर देन एनफ है उससे ज्यादा कुछ नहीं करना यही सवाल क्वेश्चन अगर पांच नंबर में आ गया कि भाई आ, क्या इसका बताओ क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन तो अब तुम्हें क्या करना है थोड़ी थोड़ी बातें सबके बारे में लिखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी बातें ठीक है आरबीसी हमें पता है क्या काम करता है डब्ल्यूबीसी हमारा इम्यून सिस्टम में काम करता है हमें बचाता है इन्फेक्शन वगैरह से प्लेटलेट्स क्या काम करता है कॉकुलेशन से इसी, थोड़ी थोड़ी बातें लिख देंगे हम इसको वो मैंने यहां थोड़ी सी और डिटेल में बताई हुई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं चार्ट याद हुआ ब्लड के दो पार्ट होते हैं प्लाज्मा

क्लियर है ये मैंने बता दिया प्रोटीन जो पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर ये तीन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेट ब्लड प्रेशर ये ऑस्मो रेगुलेशन भी यहां लिख सकते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर हमारी बॉडी का मेंटेन करके कर रखता है तो ये क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं खत्म हो गया अगर ये चार्ट रट लिया है तो दो नंबर के पर्पज से क्लासिफिकेशन इनफ है क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफाई द ब्लड एंड राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट तो क्लासिफिकेशन इतना दे करके सीधा इंपॉर्टेंस लिख दोगे खत्म हो जाएगी कहानी ठीक है ना और आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड तो अब हम आगे आते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं तो डिस्कस में कुछ नहीं है जो जो बातें थी उसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेना है डिटेल में बता देना डिटेल का मतलब क्या है कुछ नहीं यहां पे उसके बारे में कुछ बातें हैं या फिर यूं कह लो यहां पर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग यहां पर दो दो चार चार जितनी याद रख पाओ मैं तो अपनी तरफ से पूरी डिटेल देने की कोशिश किया है जो याद रख पाओ वो बता दोगे जैसे कि खास खास में क्या क्या आ जाएगा आओ देख लें इट इज ए स्ट्रॉ कलर पेल येलो भूसा होता है जैसे भूसे का कलर होता है है ना जो चारा खाते हैं भूसा उसकी तरह इसका कलर होता है विस्कस होता है गाढ़ा होता है थोड़ा सा इट कंस्टिट्यूट 55 परसेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम वो स्टार्टिंग में क्लियर हो गया कलर हो गया ऑफ प्लाज्मा इज वाटर सिक्सटी एट परसेंट कंटेंट प्रोटीन ये तीनों पार्ट कहीं ना कहीं ऊपरी वहां पे लिख दिए थे ना ये तीन पॉइंट तो वहीं ऊपरी थे वहीं से निकाल के अलग लिख लोगे इट कंटेन सेवेंटी टाइप्स ऑफ प्रोटीन आउट ऑफ विच थ्री आर मेजर सत्तर टाइप की प्रोटीन होती है तीन मेजर है फाइब्रिनोजेन एंड एल्ब्यूमिन ठीक है ना तो यहां पर फंक्शन देख ले हम लोग थ्री टाइप्स के एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन ऑस्मोटिक क्लॉटिंग यहां पर आ जाएगा तुम्हारा फाइब्रिनोजेन ठीक है ना ये जो फाइब्रिनोजेन है ये मिसप्रिंट हो गया है यहां सही कर लेंगे क्या आ जाएगा फाइब्रीनोजेन यानी कि फाइब्रीनोजेन का काम क्या है हेल्प इन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ग्लोबुलिन डिफेंस में होता है डिफेंस मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारी कीटाणु से लड़ता है एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं ये हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है अब सीरम सीरम क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसे आईएमपी डाल लेना तो सीरम होता है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स अब ये क्लॉटिंग फैक्टर ना तेरा होते हैं तेरह टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग जब कॉगुलेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे ठीक है तो क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो तो जो बच्चा सीरम क्या होता है प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो ठीक है तो इसीलिए कई बार चोट लगती है उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ब्लड रुक भी गया लेकिन हल्का हल्का पीला पीला सा ना कुछ निकलता रहता है क्योंकि वो कभी जमता नहीं है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है दैट इज कॉल्ड वॉट सीरम इसी को सीरम कहते हैं हम लोग प्लाज्मा के अंदर होता है ठीक है ना तो क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो क्या बन जाता है सीरम बन जाता है बात समझ में आई तो वही हमारा हल्का हल्का चोट से कई बार पीला पीला सा जाना खून जम भी गया है तब भी पीला पीला हल्का सा निकलता है इज कॉल्ड सीरम इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर तेरह टाइप के होते हैं तेरह टाइप के जो कि ब्लड को कॉगुलेट करने में हेल्प करते हैं क्लियर है बातें अब आते हैं फॉर्म एलिमेंट हम सबको पता है देखा था भी हमने फोर्टी होते हैं ये ठीक है और तीन कैटेगरी में है आइथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स का यहां पे हमने क्या पढ़ा था पीछे थ्रोम्बोसाइट्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट ठीक है ना यह देखो ये हमने पढ़ा था थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स एक ही बात है कंफ्यूज नहीं कर जाना अब के में लिख लो। also called red blood RBC का दे आर बाई कॉन्केव एंड डिस्क शेप है ना इसका अगर तुम शेप देखोगे जैसे कि एक आटे की लोई ले लो और दोनों तरफ से पिचका दो तो बीच में पिचकी होती है और डिस्क शेप होती है दे डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट वन मास्क क्वेश्चन ठीक है है ना ये सब वन मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोसेस के दौरान क्योंकि इसको ऑक्सीजन कैरी करना होता है और भी कई सारे काम होते हैं तो इसके अंदर से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है इसीलिए इसकी जिंदगी जो है केवल 120 दिन की रह जाती है इट हैज रेड कलर्ड बिकॉज ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या पाया जाता है एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन अब देखो वन मास क्वेश्चन हीमोग्लोबिन इज कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तो ये जो वन मास क्वेश्चन है ना मैंने डिस्कस करते हुए बोला था कि जब आप अंदर की चीजें पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना वन मास क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा बात समझ में आ रही है तो इट हैज है रेड कलर बिकॉज ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन ये सब इसके कही कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हम आगे अगला लेक्चर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यही सब बातें रिपीट होंगी वहां पे फिर से ठीक है इट आल्सो कंटेन एंजाइम कार्बोनिक एंड हाइड्रेस ये एंजाइम जब हम पढ़ेंगे क्या सीओ टू का ट्रांसफर किस तरह से सेल से बाहर की तरफ होता है 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 ना में में ठीक किस तरह का होता है? वहां पर ये हेल्प करता है इसकी जिंदगी 120 दिन की है अगेन वन मास क्वेश्चन है साइज सात साठ माइक्रोमीटर का होता है अगर इंसान के अंदर पूछा है कितना है ये तो 5.5 प्लस माइनस वन मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है ना एक मिलीमीटर क्यूब

स्प्लीन इस जो मर जाते हैं ये वो स्प्लीन क्या करता है उनको अलग कर लेता है और वहां पे वो दफन हो जाते हैं इसीलिए उसे कहा जाता है ग्रेव ऑफ आरबीसी आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन है स्प्लीन में जाकर के ये मर जाएंगे जो मरे भरने वाले होते हैं मर चुके होते हैं स्प्लीन जाके ये फिल्टर हो जाते हैं ठीक है एंड फॉर्मड इन बोन मेरो बनते कहां पर है ये बोन मैरो में बनेंगे ये कुछ जनरल बातें इतनी अगर

और आरबीसी दे देगा तो ध्यान रखना डब्ल्यू के पास न्यूक्लियस है आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है नॉर्मल रेंज जो होती है एक मिलीमीटर क्यूब ले लें तो उसके अंदर सात हजार प्लस माइनस 3500 सौ हमेशा रहते हैं हमारे पास ठीक है ना दे आर टू टाइप्स ऑफ लिक्वोसाइट हाँ दो टाइप के लिक्वोसाइट होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट जब बताया था दानेदार होता है ठीक है ये फर्दर विद ग्रेन्यूल्स एंड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस देखो पॉलीमॉर्फिक वर्ड आ गया ये पॉलीमॉर्फिक वर्ड अभी मैं डिटेल करूंगा इसका डायग्राम दिखा करके एंड ए ग्रेनोसाइट विदाउट ग्रेन्यूल्स जिसमें दाने नहीं होंगे और मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस तो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस अब ये थोड़ी सी मैंने कहा ना जब हम अंदर का पढ़ते हैं थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाना पड़ेगा वहां से तुम्हारा वन मार्क्स क्वेश्चन उठ करके आता है तो ये थोड़ी सी बातें हमें समझनी है अब देखो ग्रेन्यूलोसाइट अब यहां पे देखो एक वर्ड आया था क्या वर्ड था पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ये पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है मल्टीपल लोब्स यहां पर है मल्टीपल लोब्स या ऐसा न्यूक्लियस जिसके कई सारे रूप हो

It is nearly circular and phagocytic in nature. ये function आता जा रहा है, याद करते चलेंगे फंक्शन आग से यू पे साथ साथ चलते हैं. इसका function क्या है न्यूट्रोफिल का फैगोसाइटिक निकल जाता है ठीक है इट कॉन्स्टिट्यूट 60-65% परसेंट ऑफ डब्लू टोटल डब्ल्यू का ये 60 से पैसठ परसेंट है हमारी बॉडी के अंदर स्नोफील इट ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिल बिकॉज स्टेन विद

कि बताओ भैया न्यूट्रोफिल स्नोफिल बेसोफिल में से तीनों में से कौन सा एलर्जिक रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करता है तो स्नोफिल स्नोफिलिया हो जाता है छींके आती है या थोड़ा दिमाग में अगर होगा स्नोफिलिया हो गया सुनते हैं हम लोग स्नोफिलिया हो गया है छींके आ रही है बहुत ज्यादा क्लियर है बातें ओके देयर नंबर इंक्रीज इन अस्थमा अस्थमा छींके आती है बहुत ज्यादा तो उसका नंबर बढ़ जाता है दे आर मोटाइल एंड मेनली डिटॉक्सिकेटिव इन नेचर है ना डिटॉक्सिफाई क्या करती है डिटॉक्सिकेटिव डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहे हैं बॉडी से जो टॉक्सिक सबस्टांस है उसको बाहर निकाल रही है इट टू टू थ्री परसेंट ऑफ डब्ल्यू ये टोटल कितना है टू से थ्री परसेंट होता है यहां पर, बाला शेप बाला नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा इस टाइप से रहता है ना तो एस शेप का रहता है और इसके कितने लोब रहते हैं जनरली थ्री लोब रहते हैं स्टैंड विद बेसिक डाई इसीलिए बेसोफिल ठीक है dye, ये याद रखिए क्या निकाल रहा है हिस्टामिन हैपारीन एंड सीरोटोनिन क्या क्या निकाल रहा है ये हिस्टामीन हैपारीन एंड सीरोटोनिन क्लियर है बातें ओके दे हेल्प इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ये किस में हेल्प करते हैं जितना भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन्फ्लामेशन जहां जहां होते हैं वहां वहां पर ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं क्लियर है बातें ये बात समझ में आ रही है बेसोफिल ठीक है एस शेप है ये जब पक्का याद रखेंगे ये क्या क्या रिलीज कर रहा है हिस्टामिन पारिन एंड सीरोन क्लियर है तो ये मेन याद रखेंगे हिस्टामिन हिस्टामिन और क्या करता है हम सबको पता है जैसे हम लोग एंटी हिस्टामिन दवाई खाते हैं ठीक है थीके? तो हिस्टामिन क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये जहां जहां एलर्जी एलर्जिक होगी हैपारिन क्या करता है हैिन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को कॉगुलेट नहीं होता है होने देता है तो ये क्या होता है एंटी एंटीकॉगुलेंट की तरह काम करता है और क्या होता है ये इन्फ्लामेट्री। इन्फ्लामेट्री में करता है ठीक है ना तो इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन तब भी। ओके। अब आते है ए क्या है ए ग्रेन्यूल अब देखो यहां पर क्या ग्रेन्यूल तो मैं देखो साफ साफ एक चीज दिख रही होगी जो ग्रेन्यूल थे हमारे पास ओके नेक्स्ट अरे कहां गया

लिम्फोसाइट के दो टाइप या तीन टाइप कह लो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसा बी और टी और नेचुरल किलर सेल्स अब यहां बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे मेन है उसको हम लोग देख लें यहां पर जा रहा तो मोनोसाइट में क्या आ गया दे आर लार्जेस्ट लिकोसाइट याद रखेंगे सबसे बड़े लिकोसाइड मोनोसाइट होते हैं किडनी शेप होते हैं मोटाइल होते हैं फेगोसाइटिक एंड स्केवेंजर स्केवेंजर्स होते हैं का मतलब स्केवेंजर का मतलब जो लोग क्या करते हैं खा पी मतलब जो सड़ी गली चीज है उनको क्या करेंगे ये लोग खा पी करके अलग कर देते हैं अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये अपने अंदर से क्या निकालता है इंटरलिक्विन और पायरोजेंस दो चीजें निकालता अपने अंदर से ये तो इंटरलिक्विन क्या करता है कम्युनिकेट बिटवीन सेल्स एंड रेगुलेट सेल ग्रोथ ये दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करता है और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है पायरोजेंस हेल्प इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन क्या होते हैं वायरस को कल करने वाले केमिकल्स होते हैं इनिमिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनहेंस द टिश्यू रिपेयर तो दो काम इसके हो गए ये ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है और टिश्यू रिपेयर को क्या कर रहा है रिपेयर को बढ़ावा दे रहा है अब मैं देखो एक बात फिर तुमसे कह रहा हूं पांच नंबर में आए जरूरी नहीं सारी बातें लिखो जैसे लार्जेस्ट है किडनी शेप होता है ये इंटरल्यून पायोजन सिक्रीट करता है खत्म कहानी अब ये बातें क्यों थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है वन मार्क्स का क्वेश्चन है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैंने बताया अंदर से आ सकता है तो ये बातें तुमको पता, पता होनी चाहिए लिंफोसाइड्स मैन्युफेक्चर ग्लोब्यूलिन ये क्या बनाता है globulins बनाता है दे आर टू टाइप्स बी लिंफोसाइड्स एंड टी लिंफोसाइड्स बी लिंफोसाइड मैच्योर इन बोन मैरो एंड टी मैच्योर इन थायमस हम सबको पता है जो लिम्फोसाइड्स होते हैं बनते एक ही जगह से हैं बोन मैरो से बनते हैं लेकिन कुछ लिम्फोसाइड्स बोन मैरो में ही बड़े होंगे उनको बी लिम्फोसाइड कहा जाता है कुछ बोन मैरो से माइग्रेट कर जाते हैं था ग्लैंड के पास और थाइमस में जाकर के मेच्योर होते हैं इसीलिए उसे हम लोग टी लिंफोसाइड्स कहते हैं ठीक है दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी ये हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वहां पर साथ देते हैं अब प्लेटलेट्स के बारे में हम सबको पता है प्लेटलेट डेंगू वेंगू चक्कर चलता है लोगों की प्लेटें गिर जाती हैं सुना सबने होगा इसके बारे में ठीक है इनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये थ्रोम्बोसाइट्स ठीक है दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैगा स्पेशल सेल्स देखेंगे अभी हम लोग इसको डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे हिमोपोइसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो ये मैगा एक खास तरह के सेल्स होते हैं जो इनको प्रोड्यूस करते हैं और ये भी कहां पाए जाते हैं बोन मैरो में ही होते हैं कहां होते हैं बोन मैरो में एक नॉर्मल हेल्दी सेल के अंदर डेढ़ लाख से लेकर साढ़े तीन लाख या चार लाख तक का हिसाब किताब होता है प्लेटलेट्स इतनी होनी चाहिए तो, बाहर in निकलता है तो में क्या है, करते हैं हेल्प करते हैं तो देखो ये था जनरल हम लोगों ने जो कंपोजिशन पढ़ा ठीक है उसमें दो दो तीन तीन चार चार बातें जो मैं बता रहा था यहां पे फिर थोड़ा सा दिखा देता हूं तुम लोगों को कि ये हम लोगों ने यहां पे क्या पढ़ रखा है इसका कंपोजिशन पढ़ा पहले तो ये चार्ट याद करेंगे और चाहो तो इसी चार्ट में ना दो दो तीन तीन चार चार बातें चार चार बातें ऐसे लिख लोगे चार चार बातें ऐसे लिख लोगे चार चार बातें ऐसे लिख लोगे फिर दो दो बातें इसकी लिख लोगे दो दो बातें इसकी लिख लोगे दो दो बातें इसकी लिख लोगे मतलब अगर पांच नंबर में है या तीन नंबर में है तो चार्ट के अलावा दो दो लाइनें इनके बारे में और बता दोगे लेकिन अंदर पढ़ोगे पूरा डिटेल में वन मार्स क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी ये आगे आते हैं भाई फंक्शन ऑफ ब्लड तो फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो देखो ब्लड का फंक्शन हम सबको पता क्या क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड ट्रांसपोर्ट ठीक है ना तो ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू न्यू एंड न्यूट्रेंट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ठीक है ब्लड का ट्रा, ब्लड ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है जो ऑक्सीजन ली हमने लंग से लेकर के पूरी बॉडी के सेल में लेके जाता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के पूरी बॉडी में सेल के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट जो सेल से वेस्ट निकल आया है उसको ले जाकर के किडनी वगैरह में जाके पास करवा देता है और जो सीओ होता है उसको लंग से बाहर निकलवा देता है मेटाबॉलिक वेस्ट को कहा लंग्स और किडनी के थ्रू एलिमिनेट करवा देता है बाहर निकाल देता है हार्मो फ्रॉम एंडोक्राइन टू टारगेट ऑर्गन जो हमारे दिमाग से हार्मो निकलते हैं ठीक है उनको ब्लड वो ब्लड में डाल दिया जाता है लेकर के जहां पहुंचाना होता है पहुंचा दिया जाता है अब तुम लोग चाहो तो ये हेडिंग हटा सकते हो डायरेक्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ऐसे करके इलेवन पॉइंट बना दो तो ग्यारह पॉइंट बन जाएंगे ये बात समझ आ रही है अब आगे आते हैं ब्लड मेंटेन क्या क्या मेंटेन करता है ये बॉडी के टेम्परेचर हीट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहां एक्स्ट्रा हीट होगी वहां से हीट कम है वहां पर हीट दे देगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है पीएच को मेंटेन रखता है क्योंकि ये एक बफर की तरह काम करता है बफर समझते हो ना जो पीएच को ना बढ़ने देगा ना घटने देगा तो ये हमारी बॉडी का ब्लड का जो पीएच है जहां पर जिससे कि हमारे एंजाइम अच्छे से काम कर सके है ना तो पी एच बफर की तरह भी काम करता है वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम और ये कोशिश करता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हमारा उसका का वॉल्यूम है 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 वो प्रॉपर क्या मेंटेन रहे, रहे है ना क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिल्टर हो जाता है किडनी से निकल जाता है कम हो जाएगा तो फिल्टर कम होगा और वो ब्लड वॉल्यूम क्या रहेगा वहां पे बॉडी में मेंटेन रहेगा आगे आते हैं ब्लड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस बाय ब्लड 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 जो है प्रिवेंट करता है ब्लड के लॉस को वो ये भी रोक रहा है कि ब्लड का लॉस ना हो जाए कैसे एक्टिवेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स देखो प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स भी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स आकर के इसको रोक देंगे देंगे ब्लॉक कर उस कटे हुए रास्ते को जिससे कि ब्लड का लॉस नहीं होगा इनिशिएटिंग क्लॉट फॉर्मेशन व्हेन वेसल इज ब्रोकन और क्लॉट का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है ये जो पार्ट है ये अपने आप में एक टॉपिक है कौन सा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन जो कि हम पढ़ेंगे थर्ड या फोर्थ लेक्चर में आएगा ब्लड प्रिवेंट्स इफेक्शन ब्लड इन्फेक्शन को भी रोकता है कैसे ये सिंथेसाइज करता, करता है यूटिलाइज करता है एंटीबॉडीज को है ना एंटीबॉडीज बना रहा है एक्टिवेटिंग इसके अंदर है ना डब्ल्यू बी सी पाया जाता है इसके अंदर तो ये प्रिवेंट करता है हमको इन्फेक्शन से बचा रहा है एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रोटीन ऐसी बना रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट है कॉम्प्लीमेंट मतलब जो हमारी बॉडी में हेल्पफुल होती है एक्टिवेटिंग डब्ल्यूवीसी टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द फॉरन इन्वेडर्स जो बाहर से आक्रमण हो रहा है बैक्टीरिया वायरस का उससे बचाने के लिए डब्लूवीसी को क्या करता है ये एक्टिवेट करता है तो ये कहीं कही ना कहीं जो फंक्शन है ये मेन मेन हेडिंग ज्यादा हटा देना केवल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टाइन इलेवन ऐसे करके याद कर लेना और ये ज्यादातर तुम लोगों को पता है मुझे पता है इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना था केवल इसमें जो मेन चीज तुमको याद करनी थी वो क्या था का चार्ट क्लियर है करोगे ना और ये एक हमारा चार्ट आ गया माइंड नर्चर का ठीक है <coughs> तो एप्लीकेशन का काफी सारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं काफी सारे बच्चे इससे फायदा उठा रहे हैं ठीक है और आप लोग भी इसका यूज कर सकते हो लेकिन बिना रिवीजन के सारी चीजें बेकार हैं सारी पढ़ाई बेकार है पढ़ना है रिवाइज करना है और कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प ले इस ऐप की या इस नंबर की यहां मैं मिलूंगा तुम लोगों को और कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करो और एक चीज मैं फिर बता दे रहा हूं बहुत से बच्चों को अभी भी कॉल आ रहा है अरे भाई हर एक लेक्चर में जो मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है उसके लिंक पूछ लो अपने दोस्तों से भैया कि लिंक कहां मिलता है डिस्क्रिप्शन का वहां उसके नोट्स का लिंक दिया होता है परेशान मत हो जाता ठीक है ना ये तो मैं शुरुआत जब की थी अपना एक तरह से चैनल की शुरुआत की थी उस समय बच्चों से प्रॉमिस भी किया था कि आप लोगों को पूरा जो कंटेंट रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि क्वेश्चंस वगैरह है लाइव क्लासेस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तमाम चीजें हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो सकती है तो उसके लिए मेरे को ये ऐप बनाना था जिससे कि जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनकी तैयारी जो है वो पूरी हो सके और एक चीज बता दू मैं कोर्स की फीस केवल ग्यारह सौ रुपए ही है पूरी पूरे साल के लिए ठीक है ना तो बिंदास बेचक कोई डाउट है तो मुझे कॉल करें और पढ़ाई करते रहें रिवीजन पक्का करना है ठीक है ऑल द बेस्ट